हेलो फ्रेंड, सत्य में जाते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में हम जानते हैं और आज इसे पढ़ते पढ़ते याद भी कर लेंगे हम, ठीक है? तो आइए समझते हैं क्या है। तो कहता है भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ, इससे आपका क्वेश्चन आता है। इससे क्या आता है? आपका क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ सकता है गद्दी जनजाति कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। बकरवाल जम्मू कश्मीर में। बकरवाल कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। फिर थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पड़ता है। फिर खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश, ये सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पर? सोनभद्र में। तो जैसे देखिए 3, 2, 5, ये मैं 5-5 का सीरीज लगा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर यहाँ पे 3, 2, 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर ये 3, 2, 5, यानी कि टोटल कितना है? 15 क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र में पड़ता है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पड़ता है, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। ये पांचों आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बकरवाल जम्मू कश्मीर में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में। कहाँ पर? भोटिया जनजाति उत्तराखंड में। ये पाँच याद हो गए होंगे। अब आइए, भोटिया जनजाति सिक्किम में है। यह है भोटिया याद रखेंगे, भोटिया उत्तराखंड में है। गुंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। गुंड जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मीना जनजाति कहाँ है? राजस्थान में है। वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में है। संथाल जनजाति झारखंड में है। वर्ली महाराष्ट्र में है। मीना जनजाति राजस्थान में है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भूटिया जनजाति सिक्किम में। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मीना जनजाति राजस्थान में है। वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में है। संथाल जनजाति झारखंड में है। ये 10 आपको याद हो गए होंगे। अब आता है जरवा जनजाति सोमपेन, ओंगे, सेंटली, ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार में। क्या क्या है? जारवा, सोमपेन, ओंगे, सेंटली, ये सब अंडमान निकोबार में है। कुकी असम मणिपुर में है। टुंडा जनजाति नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु कर्नाटक केरल। ये कहाँ है? टुंडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पे। अब है लेप्चा जनजाति सिक्किम में आता है। लेप्चा जनजाति कहाँ है? सिक्किम में है। अब है चांगपन जनजाति जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में है। लेप्चा कहाँ पे है? सिक्किम में है। टोंजा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में आता है। कुकी असम मणिपुर में। अब है जारवा, सोमपेन, ओंगे, सेंटली, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये आपका टोटल 15 जनजाति थे जो भारत से हैं, ठीक है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का अपना जो कोटेशन है वो देखते हैं। कहता है भूल जाओगे फरफराना जब शिकार हमारे अंदाज में होगा, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से भी आप फरफरा करके कहीं से भी पूछते, अगर आपका तैयारी अगर बेहतर होता है तो आप अपने अंदाज में उसे मारते हैं। यहीं पे इसी को हमने लिया है। तो भूल जाओगे फरफराना मतलब क्वेश्चन कहीं से भी फरफरा के आए, ठीक है, जब शिकार हमारे अंदाज में होगा, यानी कि जब हम अपने अंदाज में उसे क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे, मतलब मारेंगे क्वेश्चन को। चलिए, थैंक यू।